attempt CSS written part after attempting CSS screening test. Assalamu alaikum aspirants, welcome to the Bright Future Academy. Hope all of you will be fine and had cleared CSS screening test with securing good marks. Today we will analyze what will be the strategies, plannings, determinants, methods or roadmaps to crack CSS written test. First two major things is that you have to set your goals or divide your key steps into sub-steps like primary goals and secondary goals. CSS written exam mein do basic cheezein hain. The number one is compulsory subjects and the number two is optional subjects. There are six compulsory subjects comprising of 600 marks, which are the same for all those aspirants, those who are going to be attempting CSS written exam. And in case of optional subjects, aspirants may have choices. You have to choose optional subjects of total 600 marks. It's up to you. Either you carry a one or more subject of 200 marks or of 100 marks. And list the compulsory subjects and optional subjects. Highlight your weak areas. Compulsory subjects and optional subjects mein se un subjects ko highlight kijiye jin subjects pe aapko zyada taiyari ki zarurat hai ya jo subjects aapke acche taiyar nahi hain. या कुछ सब्जेक्ट्स में से अगर सिलेबस का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट या कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स आपके रहते हैं जो आपके अच्छे तैयार नहीं हैं, उनको एनलिस्ट कीजिए. और जब आपने तैयारी करनी है तो स्मार्ट स्टडी करनी है. अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और पेपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लेना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. इट मीन्स एग्जामिनर का इंटरेस्ट जिस तरफ ज़्यादा है, आपने उस पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है. Then what will be the areas of growth? आप देखें कि areas of growth कौन से हैं, कौन से ऐसे subjects हैं जो आपको ज़्यादा scoring marks दे सकते हैं या आप अपने marks secure कर सकते हैं. Because you don't have to just pass the exam, you have to qualify it. तो qualify करने के लिए आपको marks secure करना पड़ेंगे. तो marks secure आप तब करेंगे जब आप ऐसी strategies बनाएंगे. Like in the case of optional subjects and compulsory subjects, usually students दो तरह की common mistakes चले आ रही हैं कि कुछ subjects की preparation वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कुछ subjects की preparation वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं. Like as in case of English essay and English Precis and Composition. English essay is no doubt is somehow technical exam. It's not very easy to attempt it. English essay के बारे में already बहुत hype create होती है और ऐसा कहा जाता है that anyone can secure marks in English essay, then he may crack the whole written exam. लेकिन आपको ये बात भी देखनी है कि आपने जस्ट एक पेपर अटैम्प्ट नहीं करना, आपने उस पेपर के साथ बाकी तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी तैयार करने हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी तैयार करने हैं. सो इंग्लिश ऐसे के आप रोज प्रैक्टिस कीजिए और इसके साथ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पे भी फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश ऐसे में आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है, एक ही टॉपिक पे आपने अपना ऐसे लिखना है ऑफ 100 मार्क्स. तो आपको सिर्फ उसमें से ही एक ही टॉपिक्स में से अपने मार्क्स गेन करने हैं. इन केस ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन देयर इज डिवीजन ऑफ मार्क्स, आपके पास ज्यादा चॉइसेस हैं, आप डिफरेंट पोर्शन से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं. लाइक सेंटेंस करेक्शन है, ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, ट्रांसलेशन है, पैराग्राफ राइटिंग, idiom, प्रेसी राइटिंग एंड कंपोजिशन. तो आप इन तमाम पोर्शन से अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. पार्क अफेयर और करंट अफेयर्स के केस में स्टूडेंट्स अमूमन पार्क अफेयर्स की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और पार्क अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इट्स इजी टू प्रिपेयर पार्क अफेयर्स. पार्क अफेयर्स के लिए स्टूडेंट्स यूजली मार्केट से कोई बुक परचेज करते हैं. अगर किसी एकेडमी के नोट्स उनके पास अवेल हैं तो वहाँ से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और करंट अफेयर्स को स्किप कर देते हैं या करंट अफेयर्स पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं, जिससे उनके मार्क्स लूज हो सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही नहीं जानते हाउ दे कैन प्रिपेयर करंट अफेयर, हाउ दे रीड न्यूज़पेपर्स, हाउ दे गेट guideline from news channels and talk shows, how to read national and international news magazines, how to read articles, how to make bullet points. आपने देखना आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से आप अपने marks extract कर सकते हैं, marks gain कर सकते हैं. General science, EDS एंड एबिलिटी. अब वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड साइंसेस से है वो जनरल साइंस को ऑब्वियसली पहले तैयार करना शुरू करें. अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी साइंस को तो वो अच्छा तैयार कर लेते हैं, प्लस पॉइंट ये होता है कि उनका बैकग्राउंड भी साइंसेस से है, लेकिन इसके साथ वो एबिलिटी का पोर्शन स्किप कर देते हैं. यूजली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम इसको एग्जाम से एक दो मंथ पहले तैयार कर लेंगे तो हम इसका पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन एबिलिटी के पोर्शन को भी आप तभी कर पाएंगे जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिए
लीजिए एबिलिटी के भी साथ साथ जो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स हैं इसमें उनको एनालाइज करें, उनकी प्रैक्टिस करें। इस पोर्शन को आपने स्किप नहीं करना, साथ साथ चीज़ों को लेकर चलना है। इस्लामिक स्टडीज़ में 2021 में सबसे ज़्यादा फेलियर रेशियो इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में थी, क्योंकि स्टूडेंट्स यही समझते रहे कि इट्स वेरी ईजी टू अटैम्प्ट द पेपर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ बट इट्स नॉट एज ईजियर एज इट सीम्स। सो आपने इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को कम्प्लीट प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस्लामिक स्टडी की प्रिपरेशन करना शायद बहुत सौ के लिए ईजी हो, लेकिन इट्स वेरी टेक्निकल टू अटैम्प्ट इस्लामिक स्टडीज़ पेपर। कि आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, वेयर यू एड योर मार्जन्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, हाउ टू मेक आउटलाइंस एंड कंक्लूजंस, हाउ टू कोट अ हदीस, हाउ टू कोट वर्सी। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप अपना पेपर अच्छे से प्रेजेंट। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम है, हर बच्चा इसको तैयार करेगा, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा इसको तैयार करेगा तो इसमें कम्पीट करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का रखिए और अपने मार्क्स अपने सिक्योर कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूँकि ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, एवरी ईयर स्कोरिंग ट्रेंड के किसी सब्जेक्ट में किसी साल स्कोर ज़्यादा रहता है तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बनता है। लाइक पास्ट 2-3 ईयर्स में अगर पोल साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, एक ब्लैक साइड ये भी है कि तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ जाएगी, स्टूडेंट्स की रेशियो भी बढ़ेगी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको आप करेंगे तो इसमें भी आपके लिए कंपटीशन ज़रा ज़्यादा होगा। सो आपने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रिपरेशन ली है। लाइक अगर जूलॉजी है तो जूलॉजी या केमिस्ट्री होप्सो बहुत से के लिए प्रिपेयर करना आसान हो, लेकिन इनका सिलेबस बहुत लेंथी है, तो आपने वो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं ऑप्शनल में जो स्कोरिंग है, ट्रेंडिंग है और उनका सिलेबस भी मैनेजेबल है, जो आप अपने टाइम टेबल के साथ मैनेज कर सकते हैं, तो आप उनको चूज कीजिएगा। क्योंकि जूलॉजी मार्क्स भी कम ही मिलते हैं क्योंकि एवरग्रीन लिस्ट है। सो तीन मेन चीजें, द फर्स्ट इज हार्ड वर्क, सेकंड स्टिक टू योर एम, एंड थर्ड कॉमन सेंस मीन स्मार्ट स्टडी। डू स्मार्ट स्टडी, डू स्मार्ट वर्क विद इन शॉर्ट टाइम, सेव योर टाइम। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, कंट्रोल कंडीशंस एंड फ्री थिंकिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स बाज़ुकात एक्साइटेड होके या मोटिवेटेड होके सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके दौरान बाज़ुकात बहुत से ऐसे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कुछ फैमिली इशूज आ जाते हैं। चीज़ों को कंट्रोल करें, कंडीशंस को कंट्रोल करें, और जो फ्री थिंकिंग है आपकी, जितने नेगेटिव थाट्स हैं सीएसएस के अबाउट, उनको अपने माइंड से एक्सक्लूड कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। लाइक सीएसएस इज अ वेरी टफ एग्जाम, CSS is very difficult to attempt and CSS is very technical exam. No doubt, somehow CSS is technical exam. That's why it's known as competitive exam. But you have to compete. अगर आपने सोचा है कि आप CSS करेंगे तो आप कर सकते हैं. Because nothing is impossible and if you can dream it, you can achieve it. Remain organized, plan things careful, keep things tidy and work effectively. Design, activate, मेक कोऑर्डिनेशन अमंग योर एक्टिविटीज़, अमंग योर स्टडी टाइम टेबल। लाइक अगर आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है कि आप एक दिन में चार सब्जेक्ट्स को टच करेंगे, चार सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप कवर करेंगे, तो नंबर वन थिंग इज दैट कि आपने वो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जिनका सिलेबस ओवरलैप करता है एक दूसरे से। लाइक इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एवरीडे साइंस, एडेबिलिटी एंड पार्क अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। जो टारगेट आपने सेट किया है, अगर एक दिन में आप चार सब्जेक्ट्स को टच करना चाह रहे हैं तो हर हाल में आपने चार सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करने ही करने हैं, इसको पेंडिंग नहीं करना किसी चीज़ को। आपने कंसिस्टेंटली आपने वर्क करते रहना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, शॉर्ट टाइम में स्मार्ट सिलेबस कवर करना है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी रेडी टू गिव योर 100%। As if your preparation started from October, November, December, January and finally in Feb, you will be going to attempt your exam. So, October में अपनी complete mind mapping कीजिए, complete analysis कीजिए, details से चीज़ों को understand कीजिए, but keep one thing in your mind is that कि आपने उन चीज़ों डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है या एग्जामिनर का उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा है पास्ट पेपर्स में। पास्ट पेपर्स एनालिसिस कीजिए, उससे आपको एग्जामिनर के इंटरेस्ट का ज़रा आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट क्या है, वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। लाइक अगर जनरल साइंस के पेपर की बात करें तो उसमें सोलर सिस्टम एंड मिनरल्स एंड रॉक्स में से ज़रूर कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते हैं, तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कीजिए। नवंबर में अपने नोट्स बनाएं, मतलब शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, बुलेट्स पॉइंट्स बनाएं, चीज़ों को शॉर्ट लिस्टेड करें
और ऐसे नोट्स बनाएं कि जब पेपर से कुछ दिन पहले जब आप रिवाइज करने बैठें तो आपके लिए रिवीजन करना आसानी हो और आप बहुत सी चीज़ों को शॉर्ट टाइम में कवर कर पाएंगे। दिसंबर में जितने हो सकता है आप रिटन टेस्ट दें तमाम सब्जेक्ट्स के। ये नहीं कि आप जस्ट इंग्लिश से प्रैक्टिस करें, एबिलिटी प्रैक्टिस करें और करंट अफेयर, आपने बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को भी अटैम्प्ट करना है। सो उनके भी रिटन टेस्ट दें क्योंकि बाज़ अवकात चीज़ें लिखते हुए कुछ हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो जब आप लिखते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक फ़्लो बन जाएगा आपका, और एग्ज़ाम में बैठे हुए भी वही फ्लो, वही फ्लुएंसी से आप लिखते जाएंगे। दिस विल हेल्प यू टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जाम। जनवरी में फाइनली जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं उनको आप पूरा करें, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पर फोकस करें और अपने कोर्स को रिवाइज करें। एंड फाइनली फिफ्थ में बी रेडी टू गिव योर अटेम्प्ट, तो अपनी अटेम्प्ट को ज़ाया नहीं करना, आप बहुत ध्यान से बी केयरफुल एंड बहुत सोच समझ के आपने CSS अटैम्प्ट करना है। अगर इस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द CSS रिटन पार्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड बकल अप फॉर द CSS रिटन पार्ट। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।